मैंने किसी को फोन नहीं किया। तो मैं ये समझ, मैंने खुद अपनी तरफ से कह रही हूँ ये बात, आपने नहीं कहा, आपने तो सिर्फ ये कहा मेरा ताल्लुक लाहौर से, तो मैंने कहा यकीनन आपने अपने दोस्त अब आपको फोन किया होगा, उन्होंने कहा हम तो अभी सो रहे हैं। जलसा तो हो रहा है ना, शुरू हो चुका है और होगा, और टाइम दिया आप देखें 2 से 5 बजे तक का टाइम दिया है सिर्फ जी, 2 से 5 बजे का टाइम दिया है, इजाजत दी है जी। आपसे लक्ष्मी साहब ने एक बात की थी, सभी ना करेक्शन, 2 से 5 नहीं 3 से 6 का टाइम है, शो जो होता है 3 से 6 होता है। अच्छा, नहीं मगर मैं 2 से 5 ये तो टाइम मैंने चार नहीं मैंने बहुत सारे चैनलों में 2 से 5 है, 2 से 5 टाइमिंग, 2 से 5 सुनिए तो वो मजाकन कह रहे हैं 3 से 6 शो होता है फिल्म का, नहीं मगर मैं आपको ये बता रही हूँ, तो टाइम जो दिया गया इलेक्शन का टाइम 3 से 6 है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, मगर देखें कितना शॉर्ट टाइम दिया है, जलसे का टाइम तो अनलिमिट होना चाहिए ना, शाम को सुबह से स्टार्ट हो रहा है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, नामुमकिन बात है, कोई ऑन ऑफ स्विच तो नहीं है। जी जी जरूर जरूर, गवर्नमेंट ने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई है कि जैसा इस सूरत में इजाजत दी जाएगी, इस सूरत में इजाजत नहीं दी जाएगी, पहली कंडीशन ये है कि अमीन गंडापुर जो है वो रिटर्न माफी मांगे, उन्होंने माफी नहीं मांगनी, ठीक है, मैं उसका जवाब देता हूँ। उन्होंने ये कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट या सरकारी इदारों के बारे में किसी के मुतालिक बात नहीं होगी, नहीं होगी किसी, नहीं मगर वो जो है ना, चले चले, ठीक है ठीक है, अच्छा अच्छा, अब वो जलसे में क्या करेंगे, फिर वो जो है वो मरियम को फिर वो जिस तरह का वो जलसा किया था वही करेंगे। देखिए बैरिस्टर अली जफर से यही सवाल पूछा गया जो आप पूछ रहे हैं, उन्होंने कहा कि जलसे में, हाँ आप भी दे दीजिएगा जवाब, मैं सिर्फ इनको बात बाजे कर रही हूँ शुभ को, कि जो है ना पूछा गया है कि भाई जलसे में आप लोग फिर वही गुफ्तगू करेंगे जो आपने केपी में कही, तो उन्होंने कहा देखिये जलसे में होती ही यही बातें, उन्होंने कहा आप फिर एस्टेब्लिशमेंट को बातें सुनाएंगे, उन्होंने कहा जलसे में क्या होता है, जलसे में होता है कवाम की बात सुने, उन्होंने कहा माजी में, उन्होंने सारा कुछ कहा, उन्होंने कहा कि अगर आप वीडियो लगा सकते हैं तो लगाइए, वीडियो में नवाज शरीफ का जलसा देख लें, आप जरदारी का जलसा देख लें, आप जिसका भी जलसा देख लें वहां पे आप बता दें, तलाल चौधरी साहब का देख लें, कौन सी लैंग्वेज नहीं यूज की गई, उन्होंने कहा हमेशा लैंग्वेज यही यूज की जाती है, ये जलसे की लैंग्वेज होती है, ये एस्टेब्लिशमेंट भी समझती है और आम पब्लिक भी समझती है, इसमें कोई पाबंदी नहीं लग सकती, ये तो है इस तरह के, तो कहेंगे आवाम क्या सुनने आती है, आप बताएं पब्लिक क्या सुनने आती है, जो उसके मसाइल है वो सुनने आती है जलसे के अंदर, तो हमारा हर जो कारकुन है वो खड़ा होगा और सारा कुछ जी अपने मसाइल के बारे में सुनने आती है, तो मसाइल को रोक कौन रहा है, आप सुने शुएब भाई एक बात सुने मेरी, एक बात सुने शुएब भाई, आप ये बता दें कि सबको ही पता है कि बड़ी बड़ी कुव्वतें हमेशा हुकूमतें बनाती हैं और हुकूमतें गिराती हैं, तो पब्लिक को भी पता है, आज का नौजवान जो खड़ा है उसके बच्चे को ये बात पता है कि आखिर चला कौन रहा है मुल्क को, तो यकीनन जब उसके बारे में बात नहीं होगी तो पब्लिक तो मायूस होकर चली जाएगी, तो वो बात तो होनी है, वही उन्होंने कहा, तो बल्कि एंकर बड़ी हंसी कहेंगे, यानी कि आप तैयार हैं सब चीजों के लिए, कहेंगे यकीनन यही बातें होनी है, और क्या बात होगी जलसे के अंदर, मैं इनकी बात का जवाब दे दूं, अच्छा देखिए जहां तक बात है कि जलसे की, इसने एक मिनट इसी इन्हीं दो बातें जो आपने अच्छा चलिए आपकी जहां तक बात हुई उसी में जवाब दे दूं, बात का जवाब इसलिए नहीं, मैं आपने जो मुझसे सवाल किया था मैं उसका जवाब दे देता हूं, देखिए दो बातें बहुत सारे एंकरों ने किया, अच्छा नहीं अच्छा अभी एक बार जितने दो सवाल आपने मुझसे किए मैं उसका जवाब दे देता हूं, देखिए आपने जैसे कहा कि टाइम जो है 2 से 5 अगर दिया गया है तो क्या इसकी पाबंदी हो सकेगी, 3 से 6 और 4 अच्छा चलिए अभी मैं एक एक करके दे देता हूँ, देखिए वो तो कोई ऑन ऑफ स्विच तो है नहीं, वो तो पहले अभी से लोग आने शुरू हो गए और आखिर तक आएंगे। नंबर टू जहां तक माफी मांगने की बात है कि फलाने साहब माफी मांगे, पूरे कौम का मैंडेट सुनिए, पूरे कौम का मैंडेट चोरी किया और उस पर बैठे हुकूमतें बनाई, चाहे प्रेसिडेंट साहब हो, चाहे स्पीकर साहब हो, चाहे असेंबली हो, क्या किसी ने माफी मांगी अवाम से? नहीं मांगी। आज तक अदालतें कह रही हैं ये गलत है और अदालतों ने फैसला दिया, हर मुल्क की अदालत होती है, पढ़े लिखों का पूरे जो डेवलप कंट्रीज उन सब में यही होता है कि अदालतों ने कहा कि भाई ये इन लोग ये लोग इलेक्ट हुए हैं, उन्होंने कहा नहीं जी ये सब हुआ ही नहीं है, क्या माफी मांगी इस पे?